जय लहू जी, जय भीम। वेलकम टू योर ओन अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल जनता विद पीपल। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं ऐसे एक महान प्रेरणादायी व्यक्ति की जिन्होंने हमें विज्ञानवादी विचार दिए कि यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं, यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर नहीं बल्कि दलित और कामगार इनके हाथों पर खड़ी है। हिंदी जगत अन्ना हजारे से तो बखूबी परिचित है, पर उस महान अन्ना से उतना परिचित नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। यह अन्ना हजारे से भी हजार गुना महान व्यक्ति कौन है? इस अन्ना को दुनिया अन्ना भाऊ साठे नाम से जानती है। महाराष्ट्र में यह नाम अब उतना अपरिचित नहीं रहा, पर तथाकथित ऊंची जातियों का एक तरह का तिरस्कार तमाम महानता के बावजूद अब भी जारी है। अन्ना भाऊ साठे का जन्म मांग नामक अनुसूचित जाति में हुआ था। अछूत तो अछूत, उस पर माता पिता अत्यंत गरीब थे। शिक्षक द्वारा प्रताड़ित करने की वजह से सिर्फ डेढ़ दिन में ही उन्हें अपनी स्कूल छोड़नी पड़ी। पेट की आग शांत करने के लिए उन्होंने अपने गांव वाटे गांव, जो कि सांगली में था, वहां से बंबई तक का सफर, जो कि 400 किलोमीटर का सफर था, पैदल ही तय किया। यहां वे मजदूर आंदोलनों से गुजरते हुए कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में आए और आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। बाद में वह रशिया भी गए। उन्होंने 35 उपन्यास लिखे, 12 कथा संग्रह लिखे, 3 नाटक, 10 पोवाड़े और एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा। साथ ही साथ उन्होंने 14 लोकनाट्य लिखे। उनके 8 उपन्यासों पर बाद में फिल्में भी बनी। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में सक्रिय सहभाग लिया। अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट आंदोलन में थे, पर धीरे धीरे उनका मोह भंग होते गया और धीरे धीरे वह अंबेडकरवाद की तरफ बढ़ते गए। 16 अगस्त को जब देश के लोग आजादी का जश्न मनाने में सराबोर थे, तब कम्युनिस्टों के भारी विरोध के बावजूद अन्ना भाऊ साठे इन्होंने भारी बारिश के बावजूद भीगते हुए 60,000 लोगों की एक बड़ी रैली मुंबई में निकाली और घोषणा दी, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उन्हें यह एहसास हो गया था कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित अभी भी अपनी गुलामी से आज़ाद नहीं हुए हैं। अंततः उन्होंने कम्युनिस्टों के प्रभाव से बाहर आते हुए अंबेडकरवाद की तरफ रुख किया और अपनी भावनाएं कुछ इस तरह से प्रकट की। जग बदल घालूनी घाव, सांगुन गेले मज भीमराव। इस देश में आपको हजारों साहित्यकार मिल जाएंगे, पर भयानक विपरीत परिस्थितियों को झेलकर ऊंचाइयों को छूते हुए बहुत कम मिलेंगे। अन्ना भाऊ साठे की महानता किस बात में है? स्कूल में अनपढ़ रहते हुए भी उन्होंने पढ़ने लिखने का न केवल योग्यता हासिल की बल्कि क्रांति का बहुत बड़ा साहित्य भी रचा, जो अच्छे अच्छे ज्ञान पीटियों की मिट्टी पलीत करते हैं। 18 जुलाई 1969 को विपरीत परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उनका जीवन हमें हमेशा मनुवादी व्यवस्था से लड़ने की और अपने हक और हुकूक को हासिल करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय फुले, जय शाहू, जय अन्ना भाऊ और जय भीम।